हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, तो इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो घर रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, और कंप्यूटर की तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन ये लेक्चर कंप्यूटर पर बेस्ड ये बना रहा हूँ क्लास 8 के लिए। तो वो स्टूडेंट जो कि क्लास 8 से बिलोंग करते हैं RNH अकेडमी के, वो इस लेक्चर को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आपका चैप्टर नंबर आई होप कि सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड, तो चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है ना, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस दिखाई दे रहा है। इसको मैं ओपन करता हूं, मेरे पास 2007 वर्जन है। वर्जन कोई भी हो, काम करने का तरीका लगभग एक ही होता है। तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर आप फाइल का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको इरेज किया, यहां से इरेज किया मैंने इसको नाम दे दिया राम, REAM दे दिया, ठीक है। और यहां क्रिएट पे आपको करना है क्लिक, माउस से क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चूंकि आप बिगिनर हैं, इस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर वीडियो है, तो आप यहां पर अगर क्लिक करके लिखना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं लिख सकते, ये एक्सेल नहीं है। यहां पर काम करने का सारा तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा एंट्री करना सीखना है। तो कैसे डेटा एंट्री करेंगे इसमें, तो देखिए यहां पर जो व्यू दिख रहा है ना आपको, इस व्यू पे करिएगा क्लिक। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दो प्रकार के व्यूज दिखाई देंगे, एक डेटा शीट व्यू और दूसरा डिजाइन व्यू, ठीक है। तो आपको डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि हम डिजाइन करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लिक ऑन डिजाइन व्यू। तो जैसे ही डिजाइन व्यू पे क्लिक करा मैंने, यहां पर सेव एज ऑप्शन खुला हुआ है। इसमें कुछ लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था टेबल वन, तो इसको मैंने इरेज कर दिया है, हटा दिया यहां से बैक स्पेस की प्रेस करके, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं इसका नाम, जैसे मैं लिखता हूं MS Access, इसको अपने मन से मैं नाम दे देता हूं इस टेबल को MS Access। तो ये नाम दे दिया हमने। अब ये हम डिजाइन व्यू में आ चुके हैं। यहां आपको दो चीजें दिखाई, तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी। यहां पहला है फील्ड नेम, दूसरा है डेटा टाइप, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फील्ड नेम की। फील्ड नेम यानी कि हम क्या नेम देना चाहते हैं, ठीक है। आपको यहां से एक चाबी सी की दिखाई दे रही होगी, इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी की। ये जो चाबी सी दिखाई दे रही है, ये वाला कॉलम प्राइमरी की के नाम से जाना जाता है। आप इसको अपने इच्छा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो यहां पे नेम लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहां ड्रॉप डाउन एक आएगी, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहां पर आपको तमाम डेटा टाइप्स मिल जाएंगे। फिलहाल हमको यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप रखना है, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, जो एक जो हमारा टेबल होता है उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, ठीक है। अब ये प्राइमरी की हमें चेंज करनी है, नेम ऑफ स्टूडेंट प्राइमरी की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक टेबल में यानी कि अगर बात करें एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। अब ये यूनिक क्यों नहीं हो सकती है, नेम ऑफ स्टूडेंट यूनिक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें किसी क्लास की, तो एक क्लास में एक नाम से कई बच्चे हो सकते हैं, तो वो यूनिक कैसे होगा, वो यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो रोल नंबर एक यूनिक की हो सकती है, जिसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो नेम को हम कभी प्राइमरी की के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको हमें हटाना होगा, हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं रोल नंबर, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी की हो सकता है, ये टाइटल है, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं ये एक टाइटल है, यहां पर हमने इसे प्राइमरी की बना दिया। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। और रोल नंबर टेक्स्ट डेटा टाइप भी हो सकता है, नंबर डेटा टाइप भी हो सकता है, तो हम इसको नंबर लिख लेते हैं, नंबर कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन से नंबर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर डेटा टाइप आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर एड्रेस एंटर करवाना है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस लिखा हमने, और एड्रेस क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो यहां टेक्स्ट लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे फोन नंबर लिख सकते हैं हम, फोन नंबर, ठीक है। तो यहां पे फोन नंबर जो है नंबर डेटा टाइप हो सकता है, या फिर यहां पे देख सकते हैं आप इनपुट मास्क दिया हुआ है, यहां पे क्लिक कर सकते हैं आप, और ये जो थ्री पॉइंट्स बने हुए हैं यहां पे आप देख सकते हैं इसको, इस पे क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए फोन नंबर का इसमें जो है आ रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट रखिएगा, आप इसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको फोन नंबर ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने टाइम लगा रखा है तो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे फोन नंबर सेलेक्ट करता हूं या नेक्स्ट करता हूं, ठीक है। अब यहाँ प्लेस होल्डर कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वन कैरेक्टर मैंने दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करें, मैंने वो जो सिंबल थे वो मुझे नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कराया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहां से फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं फोन नंबर वाली कैटेगरी इसमें सेट हो गई है, ठीक है। अब आपको यही फॉर्मेट में फोन नंबर लिखना होगा, दूसरा फॉर्मेट आप नहीं दे सकते। चलिए अब फोन नंबर के बाद एड्रेस भी दे दिया हमने, फोन नंबर भी दे दिया, अब हम यहाँ फादर्स नेम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर्स नेम, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम भी कर सकते हैं हम, एम ओ टी एच ई आर मदर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, हमने ये एक टेबल जो है बना लिया। यहाँ डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, नेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट, ठीक है, ये दे दिया हमने। तो इस तरीके से करके हम ये दे सकते हैं। आप जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर यहां पे दे सकते हैं, रोल नंबर इज अ काइंड ऑफ यूनिक, रोल नंबर कैन नॉट बी सेम इन वन क्लास, ठीक है, ये दे दिया हमने। इस तरह से करके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल मैंने दो में दे दिया है, बाकी सबको मैं लीव कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आपको सिंपली ये जो व्यू दिख रहा है ना, इस व्यू पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो यहां से यस कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल हमने बनाए थे वो सारे टाइटल यहां पे डिस्प्ले होने लगे हैं। यहां पे देखिए ये सारे टाइटल डिस्प्ले हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसको हमें कैसे टाइटल को बनाना है। अब चाहते हैं कि ये टाइटल बोल्ड में दिखे, बड़ा दिखे, छोटा दिखे, जैसा भी चाहते हो, तो पहले इस पर क्लिक कर लीजिए। एक को हम बोल्ड बनाना चाहते हैं, तो यहां दिया हुआ है बी, बी लिखा हुआ है ये, इसका मतलब होता है बोल्ड। या तो कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, सीटीआरएल के साथ बी प्रेस कीजिए, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा। अगर आप साइज को भी इंक्रीज करना चाहते हो तो यहां से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये छिपने लगता है, ये देखिए इसके अंदर चला गया है, तो यहां पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिस्प्ले होने लगेगा दोबारा से, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको रिसाइज कर लेंगे हम, सही कर लेंगे सारी चीजों को, यहां से भी और एट लास्ट यहां से भी, ठीक है। अब यहां पर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हम एंटर कर पाएंगे। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है तो मैंने लिख दिया राम कुमार, तो यहां पे हम राम कुमार लिख पा रहे हैं, ठीक है। और रोल नंबर दे दिया वन, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगी ये बात कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, ठीक है। एड्रेस दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया न्यू कॉलोनी देवरिया, ये दे दिया हमने एड्रेस, ठीक है, और यहां पे आ गए। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन आती है कि ये जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहां से जब आप इसको पूरा विड्थ बढ़ाएंगे इसकी तो ये पूरा दिखाई पड़ने लगेगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां फोन नंबर देना है, तो वही फॉर्मेट हमें देना है, देखिए इसी फॉर्मेट में फोन नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, तो यही फॉर्मेट हमने दे दिया है, ठीक है। और अब हम आएंगे यहां पे फादर्स नेम पे, ठीक है, तो फादर्स नेम पे जैसे आएंगे तो फादर का नेम दे देंगे, जैसे हम दे देते हैं सुशील सिंह, ये दे दिया हमने फादर का नाम, ठीक है। मदर्स नेम देना चाहते हैं तो दे देंगे अरीना सिंह, ये दे दिया हमने मदर्स नेम, ठीक है। इस तरह से करके हमें डेटा एंट्री करनी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए अब सेकंड स्टूडेंट का नाम है अवनीश, ठीक है, यही दे दिया हमने। और अब यहां पर जैसे आएंगे, अब यहां पर रोल नंबर वन जैसे ही देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे आते हैं, चूंकि प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, ठीक है, हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं लिखता हूं राघव नगर देवरिया, तो ये फीडिंग करनी है हमें इन डेटास की। अब देखिए यहां फोन नंबर दे देता हूं वही चीज, ठीक है। अब यहां पे फादर्स नेम श्याम कुमार दे देता हूं, यहां पे सपोज कीजिए यही फादर्स नेम है, ठीक है, और यहां मदर्स नेम दे देता हूं
यशोदा देवी, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम यहां पर आने की कोशिश करते हैं तो यहां ये मैसेज डिस्प्ले होने लगता है, कह रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज। तो प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती, अगर आप डुप्लीकेट लिखोगे तो ये एक्सेप्ट होगा ही नहीं, कितना भी सेव करने की कोशिश करो ये सेव नहीं कर पाओगे आप। तो यहां टू लिखेंगे और जैसे ही टू लिखेंगे तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखिए जैसे ही हमने टू लिखा ये नेक्स्ट लाइन में आने लगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि डेटा एंट्री कैसे करनी है हमें, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए आप, यहां पर जो हमने बनाया है तो यहां पे व्यू पे चलते हैं और डिजाइन व्यू पे आते हैं। यहाँ पे तमाम डेटा टाइप्स हैं, मैं आपको डेटा टाइप्स के नाम याद करा देता हूँ। टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस और नो है, ओएलई ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। क्या है? डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स का नाम तो कम से कम यहां से याद ही हो जाएगा, टेक्स्ट, मेमो, ठीक है। काम क्या होता है, टेक्स्ट में आप नंबर और टेक्स्ट दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। मेमो, मेमो मींस की मेमोरी, जैसे आपने मोबाइल फोन वगैरह में देखा होगा पुरानी मोबाइल जो आती थी तो उसमें क्या होता था, कुछ चीजें लिखी होती थी, जैसे आई कॉल यू लेटर आज भी आता है, या फिर आई विश यू, ऐसे करके बहुत सारी चीजें पहले से लिखी होती थी, ठीक है। तो वो अगर मैसेज सेंड करना होता तो हमें टाइप नहीं करना पड़ता था, तो मेमो कुछ उसी टाइप का होता है। अब आगे आते हैं तो नंबर है, तो नंबर का मतलब तो आप समझते ही हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज ही कंटेन करेगा ये। डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप डेट एंड टाइम के लिए यूज होता है, डेट या टाइम लगाना हो तो ये डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। करेंसी, रुपया डॉलर वगैरह लगाना हो तो करेंसी यूज कर सकते हैं। ऑटो नंबर, ये खुद से नंबर जनरेट करके दे देता है ऑटो नंबर, यस और नो, ये दो ही कंडीशन पहली या दूसरी में से कोई एक डिस्प्ले कराता है, ये यस और नो वाला डेटा टाइप है। ओएलई ऑब्जेक्ट, इसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक में किसी भी एक चीज का लिंक ले सकते हैं आप। अटैचमेंट, किसी भी चीज को अटैच करा सकते हैं। लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड भी एक डेटा टाइप है, इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। फिलहाल इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि इसको हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये दो डेटा हमने एंट्री करा, ठीक है, आगे हमें ये समझना है कि अब दो डेटा तो एंट्री कर लिया हमने, लेकिन हमें ये भी समझना है कि क्वेरी क्या होती है या फॉर्म क्या होता है, ठीक है। हम यहीं से क्या करते हैं, क्रिएट पे चलते हैं और टेबल पे चलते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल यानी सेकंड वाला टेबल हमने बना लिया है, व्यू पे जाएंगे और इस टेबल को भी नाम दे देंगे, पहले टेबल को नाम दिया था एमएस एक्सेस, इसको नाम दे देता हूं क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई भी आप कैलकुलेशन से संबंधित डेटा अगर बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्वेरी। तो यहां हम आ चुके हैं क्वेरी वाले टेबल पर, आप देख सकते हैं सेम वही कंडीशन यहां पर भी शो हो रही है। आप इसी को प्राइमरी की रखना चाहते हैं तो यहाँ रोल नंबर दे सकते हैं, तो यहां मैंने दे दिया रोल नंबर, ओके। तो ये हमने बना लिया और इसको इस बार मैं ऑटो नंबर रहने देता हूं ताकि आप ऑटो नंबर वाले डेटा टाइप का भी यूज देख पाए, ठीक है। इसके बाद यहां पर जब नीचे आएंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, यहां लिखा मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। और अब हम आएंगे नीचे तो यहां पर हम देख पाएंगे कि हमने इसमें क्या दिया था, चेक करते हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। हम फिलहाल यहां क्वेरी बना रहे हैं तो अभी आ जाते हैं इस पे। अब यहां पे हमें क्या देना है, एक एक सब्जेक्ट का नाम देना है। जैसे सपोज कीजिए मैं कंप्यूटर की ही बात कर लेता हूं तो यहां सबसे पहले लिख लेता हूं कंप्यूटर, ठीक है। और यहां पर आपको हमेशा रखना है नंबर डेटा टाइप, जब भी आप क्वेरी बनाएंगे कैलकुलेशन से संबंधित काम करेंगे तो यहां आपको नंबर डेटा टाइप ही रखना होगा। तो यहां नंबर डेटा टाइप रख लिया हमने, ठीक है। आप ऐड एक्सेल की तरह से नहीं करा सकते, ऐड कराना हो, मल्टीप्लाई कराना हो या कुछ भी कराना हो तो यहां पे एक्सेल जैसा काम आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर कर लिया हमने, अब जैसे मान लीजिए मैथ की बात आती है तो यहां मैथ लिख लिया हमने, ठीक है, मैथ लिखा। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको रखना है नंबर डेटा टाइप, ठीक है, यहां नंबर रख लीजिए आप। इसके बाद फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर आएंगे तो यहां साइंस, ठीक है, तो यहां साइंस कर लिया हमने और यहां पर भी रख लीजिए नंबर डेटा टाइप। अब सपोज कीजिए कि ये तीन ही सब्जेक्ट हैं, आप और भी सब्जेक्ट के नाम और यहां पर डेटा टाइप एंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने तीन ही सब्जेक्ट लिया है। अब इन तीनों का टोटल करना है, हमें क्वेरी बनानी है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें सेकेंड चैप्टर का टॉपिक, एक टॉपिक ये भी है क्वेरी, तो क्वेरी को भी मैं ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म की चर्चा करेंगे, पहले क्वेरी बना लेते हैं उसके बाद फॉर्म की चर्चा करते हैं हम, ठीक है।
तो चलिए साइंस तक हो गया, अब यहां पर इन सब का हम टोटल करेंगे, यानी यहां पे मैं करता हूं ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड माने प्राप्त किया, कितना नंबर पाया आपने, तीनों को मिलाकर के कितना आया, दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन्ड मार्क्स। ओके, अब यहां पर देखिए ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है और यहां पर हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप। ओके, तो ये नंबर डेटा टाइप हो गया, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली करना है व्यू पे क्लिक, ये जो व्यू दिखाई पड़ रहा है इस पे आप कर दीजिए क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, इसको सेव करिए। अब यहां पे हमने इस तरह से ये चीजें बना ली हैं। अब हम चलते हैं, अभी यहां पे हम कुछ एंटर नहीं करते हैं, ठीक है, सीधे चलते हैं क्रिएट पर और चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर, जो भी हमें क्वेरी बनानी है वो क्वेरी डिजाइन से जाकर के हम बना सकते हैं। तो यहां क्वेरी डिजाइन पे गए हम, ठीक है, यहां से जाकर के अब हमारी जो जिस टेबल में हमें क्वेरी लगानी है वो सेकंड वाला टेबल है, तो ये सेकंड टेबल को हमने सेलेक्ट करा, ऐड करा दिया यहाँ पे। अब इस पे आप डबल क्लिक करिए, ठीक है, डबल क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हैं कि रोल नंबर इंसर्ट हो गया यहाँ पे, और ये किस टेबल का है, क्वेरी वाले टेबल का है, जिसका नाम क्या है, क्वेरी है, दूसरा कोई टेबल नहीं, क्वेरी टेबल का ही ये है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं चौड़ा कर देता हूं यहां से और ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट, ये भी इंसर्ट हो गया, कंप्यूटर इंसर्ट हो गया, मैथ्स और साइंस का मार्क्स, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हमने ले ली हैं। यहाँ पे रख लेता हूं मैं और थोड़ा इसको जूम व्यू पे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से हम इसको करके क्वेरी लगा सकते हैं ये बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ है, अब हमको ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा, अल्फा न्यूमेरिक की पी जो है, पी के ठीक बगल में आपको ये की मिल जाएगी, बिना शिफ्ट के दबाइएगा, विदाउट शिफ्ट यू हैव टू प्रेस द ओपन पैरेंथेसिस बटन, ओके, तो ये वाला बटन आपको दबाना है। और अब यहां पे लिखना है पहले सब्जेक्ट का नाम, तो पहले सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले, आप कर भी चुके हैं इस चीज को। अब प्लस का निशान बाहर बनाइएगा, प्लस एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर यानी कैलकुलेशन का काम यही प्लस हमें कर करके देगा। अब फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट की बारी, तो यहां लिखता हूं मैथ, तो यहां लिख लिया हमने मैथ, ओके, मैथ लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, साइंस, तो यहां से लिखता हूं साइंस, ओके, क्लोज करूंगा, ठीक है। अब इसको ओके करने की बारी, यहां से ओके कर दीजिए आप, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहां रन वाला ऑप्शन नजर आएगा आपको, ठीक है, डिजाइन वाले मेन्यू पे रहिएगा तभी ये रन वाला ऑप्शन नजर आएगा, अन्यथा ये नजर नहीं आएगा। तो जब भी आप रन करवाने की कोशिश करें तो ध्यान रखें कि आप डिजाइन वाले टैब पे मौजूद रहें और यहां से रन करवा दीजिए इसको। आपका काम हो चुका है, अब हमें सिंपली क्या करना है, यहां पे कोई नाम एंटर करना, जैसे राम ही एंटर कर लेता हूं मैं। अभी देखिए ये जो ऑटो नंबर हमने लिया था ये अपने आप से नंबर देना चालू कर चुका है, यहां पे हमने रोल नंबर एंटर नहीं करा। देखिए अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, ठीक है, तो यहां पे रोल नंबर 1 है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूं राम, अब देखिए राम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का मार्क्स है मान लीजिए 50 आउट ऑफ 100 है 50, ठीक है, और फिर मैथ्स में 80 है, ठीक है, और साइंस में है 66, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्टेन मार्क्स अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है, यहां से आप विथ बढ़ा सकते हैं खींच करके इसको, ये देखिए यहां पे ले जाइए और जब ये इस तरह का साइन बनने लगे तो यहां से खींच करके इसको इधर लाइए, तो ये ऑब्टेन मार्क्स आ गया। अब देखिए जैसे ही यहां पर आया तो यहां पे कोई रोल नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही नाम लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा तुषार, ठीक है, तो यहां पे 2 दिखने लगा। अब यहां पे इसका नंबर मार्क्स एंटर कीजिए 88 89, ठीक है, और ये आ गया इसका टोटल। तो इस तरह से करके आप टोटल कर सकते हैं। अब इनको बोल्ड करने की बारी है, तो यहां से बी पे क्लिक कर दीजिए, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कलर लगाना चाहते हैं तो यहां से कोई भी कलर, आप जो भी आपको ठीक लगता है वो चूज कर लीजिए, यहां से उसी कलर में ये आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो कलर हमने लिया था वो ठीक था, ये भी सही है, तो ये हमने कर लिया। अब हमको फॉर्म के बारे में समझना है कि फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो यहां से हम चलेंगे और फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां से फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इस फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है स्प्लिट फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको फॉर्म व्यू भी दिखाई देगा, फॉर्म व्यू भी दिखाई देगा और डेटा शीट व्यू भी दिखाई देगा। ये डेटा शीट व्यू क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं ये डेटा शीट व्यू है, ठीक है, यहां पे ये डेटा शीट व्यू है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, और जो फॉर्म व्यू है वो अब बात कर लेते हैं उसकी। तो यहां से जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म व्यू आने लगेगा, ठीक है, तो यहीं पे क्लिक कर सकते हैं आप, अन्यथा आप यहां पर मोर फॉर्म जो लिखा हुआ है यहां पर जाकर के और फॉर्म विजार्ड से चूज कर सकते हैं, तो मैं फॉर्म विजार्ड से ही चूज कर लेता हूं,
इसको यस yes करके पहले सेव कर लेता हूं, क्वेरी वन के नाम से ये सेव हो रही है पूरा डेटा। अब यहां पे देखिए यही सारे जो टाइटल थे वो हमने लिए थे। अगर इस वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं तो एक एक करके रोल नंबर, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, ये एक एक करके लाना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस पे क्लिक करते हैं, इस वाले बटन पे, ये जो बना हुआ है इस पे क्लिक करना है आपको, और यहां से जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ओके यानी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये पूछेगा कि आप डेटा को किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, कॉलमर फॉर्म में देखना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्म में, डेटा शीट फॉर्म में, कैसे देखना चाहते हैं आप, ठीक है। आप कॉलमर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपको कौन सा वाला विजार्ड पसंद है इसमें, ठीक है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लें, ठीक है, और जो चूज करेंगे उसी हिसाब से इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं फॉर्म के डिजाइन में, तो मैं फिलहाल कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं चाहता, फिनिश पे क्लिक करता हूं, तो ये फॉर्म जो है इस तरह से हमारे पास डेटा क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन अगर हमें करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इसको डिजाइन व्यू पे ले सकते हैं। डिजाइन व्यू पे लेने का तरीका क्या है, यहां पर व्यू जो दिख रहा है इस पे जाइए आप और यहां से डिजाइन व्यू पे इसको ले लीजिए। अब ये जो क्वेरी दिख रही है ये क्वेरी नहीं होनी चाहिए यहां पे, यहां पे कुछ और हम लिखना चाहते थे, जैसे मैं लिखना चाहता हूं मार्क शीट, नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा और विड्थ बढ़ा लेते हैं, इसको चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका कलर भी बदलना चाहते हैं आप तो इसको पूरा को सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप कलर भी चेंज कर पाएंगे, तो देख सकते हैं आप ये इस तरह से हमने फॉर्म को डिजाइन कर लिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिजाइनिंग है, ठीक है। इतना करने के बाद हम इस वाले यहां व्यू जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमें मार्कशीट दिखाई पड़ने लगेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर पसंद आएगी आपको, ठीक है। अब